हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एएम स्टार व्लॉग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत काफ़ी दुखी हूँ, बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं आप लोगों के साथ, मैं सब खुशी हो चाहे दुख हो, सब आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे बारे में, मेरी फैमिली के बारे में सब कुछ जाने, सब कुछ आप जो है आप लोगों को पता होना चाहिए। फ्रेंड्स, के 27 दिसंबर 2020 में मेरे साथ जो हुआ है, मैं नहीं चाहती हूँ कि और भी किसी के साथ ऐसा हो। तो प्लीज़ मेरा इस मेरे वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, बिना स्किप किए हुए देखिएगा, क्योंकि आप लोग स्किप करके देखेंगे तो बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैं चाहती हूँ कि आप पूरा फुल वॉच कीजिए, तभी आप लोगों को कुछ समझ में आएगा, तभी आपको पूरा स्टोरी समझ में आएगी। तो मैं बताना चाहूँगी कि फ्रेंड्स, जो मेरे साथ हुआ है, जो मेरे फैमिली के साथ हुआ है, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि फ्रेंड्स ऐसा और किसी के साथ हो। मैंने अपने को खोया है, मैं नहीं चाहती हूँ कि जो दर्द मैंने सहा है वो आप लोग भी, आप लोगों के साथ भी हो, कभी ना हो, ऐसा कभी ना हो, मैं यही चाहूँगी। इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रही हूँ। प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, क्योंकि मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं इसको शेयर करूँगी, लेकिन थोड़ा सा एक मन में डर था कि पता नहीं कि ये यूट्यूब के ख़िलाफ़ ना हो, क्योंकि सब जानते हैं कि यूट्यूब में बहुत सारी पॉलिसी है कि आप कुछ समझ सकते हैं कि आप जो आप वीडियो, आपका जो चैनल हो आप उसी तरीके से चलाइए, आपका ब्लॉगिंग है तो ब्लॉगिंग करिए। तो फ्रेंड्स, मैं एक मैसेज देना, इस वीडियो को मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो चले, शेयर हो। मैं सिर्फ अपनी भावना प्रकट कर रही हूँ, जो मेरे साथ बीता है मैं उसको शेयर कर रही हूँ। बाकी मैं, आप जज करिएगा कि क्या वो सही है क्या गलत है, आप लोग जज कीजिएगा, ठीक है? तो मैं किसी को गलत नहीं ठहरा रही हूँ, कुछ नहीं, बस मैं अपनी फीलिंग शेयर कर रही हूँ। जो मेरे साथ हुआ है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आप मेरी फैमिली है, तो इसलिए मैं बताना चाहूँगी। तो बहुत हिम्मत करके मैं ये बात बोल रही हूँ, बहुत, मैं जो बताना चाह रही हूँ मैं उसको पूरा बताऊँगी, तभी आप लोग समझ पाएंगे कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। तो फ्रेंड्स, 27 दिसंबर 2020 में मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी। मेरी मम्मी की जो डेथ थी वो नेचुरल नहीं थी, मैं नहीं मानती हूँ कि वो नेचुरल है, उनकी लापरवाही से ही डेथ हुई है। क्योंकि मेरी मम्मी बिल्कुल स्वस्थ रहती थी, उन्हें कोई खास बीमारी नहीं थी कि बहुत डेंजरस बीमारी हो तो ऐसा हो गया हो। अच्छा खासा वो पूरे घर का काम भी करती थी और सब कुछ अच्छे से करती थी। तो कि मुझे क्या, मेरी फैमिली में जितने भी मेरे भाई बहन हैं या मेरे रिलेटिव हैं, उन्हें ऐसा, वो सपने में नहीं सोचे होंगे कि इतना जल्दी मेरी मम्मी के साथ ऐसा होगा कभी और वो चली जाएंगी। तो फ्रेंड्स, मम्मी को मेरे हार्ट अटैक आया था, तो उन्हें सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। हार्ट अटैक पे सब मरते नहीं हैं, कुछ हैं जो बहुत डेंजरस कंडीशन में जाते हैं तो हाँ डेथ हो जाती है। मेरी मम्मी एक हफ्ते जो है वो सरकारी हॉस्पिटल में जूझी हैं, 9-10 दिन वो सरकारी हॉस्पिटल में थी, और उस समय कोरोना का काफ़ी चल रहा था, 2019-20 आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि कोरोना का कितना ज़्यादा लहर था, लेकिन मेरी मम्मी को कोरोना नहीं था, फिर भी उस साल उनको हार्ट अटैक आया। और पापा की भी तब काफ़ी ख़राब थी, मेरे पापा शुगर के पेशेंट हैं, और भी बहुत सारी उनके, पापा को मेरे काफ़ी बीमारियां हैं क्योंकि वो शुगर के पेशेंट हैं, तो उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मेरी मम्मी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो पापा की ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, मम्मी बिल्कुल सही थी,
बट मम्मी को हार्ट अटैक आना हम लोगों के लिए बहुत शौक था कि कैसे हो सकता है, पापा की तबीयत बहुत खराब है लेकिन मम्मी की ऐसी हालत कैसे हो गई। तो चलिए ठीक है, हार्ट अटैक आया। हार्ट अटैक में ये हुआ कि 4-5 दिन में ठीक होके चली आएंगी। तो हम लोग वहीं हॉस्पिटल में ही आते थे जाते थे, एक टाइम हम रह लेते थे, एक टाइम दीदी चली जाती थी। दो मेरे भाई हैं तो वो हमेशा ही हॉस्पिटल में रहते थे, पापा की कंडीशन सही नहीं थी तो वो घर पे रहते थे। तो भाई लोग मेरे सिर्फ इंजेक्शन लाना और दवाइयाँ लाना यही सब था उनका। तो बहुत छोटे भी हैं। तो फ्रेंड्स मैं ये बताना चाहूँगी कि सरकारी हॉस्पिटल का एक नाम है कि वो सरकारी हॉस्पिटल है, बट सरकारी हॉस्पिटल में कोई भी चीज़ फ्री में नहीं है। ये मैं सच बता रही हूँ, ये मैं रियल बता रही हूँ। मेरी वीडियो सबके पास पहुँचेगी, हो सकता है बहुत लोगों को बुरा लग रहा होगा जो मेडिकल लाइन से जुड़े हुए होंगे, बट जो सच है मैं उसको बोलूँगी क्योंकि मुझे बहुत बहुत ज़्यादा मैं अंदर ही अंदर घुट रही हूँ इस बात को लेके, तो मैं इसको शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स सरकारी हॉस्पिटल में सिर्फ नाम है, वहाँ बेड चार्ज नहीं लगता है, बाकी आप सुई है, कॉटन है, दवाइयाँ हैं, आप जाँचें हैं सारी, वो फ्री में नहीं होती हैं, सब बाहर से आप ले आइए, सब खरीद कर लाइए, कुछ भी फ्री नहीं है। हाँ मैंने बोला कि बेड चार्ज नहीं है, डॉक्टर की फीस नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा सच ये भी है कि वहाँ मास्क लगाकर डॉक्टर आ रहे हैं कि कंपाउंडर आ रहे हैं कि झाड़ू पोछा वाले आ रहे हैं, यही नहीं समझ में आता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि ECG वो लोग करते हैं जो वहाँ झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, और मरीजों को, क्योंकि मरीज है, एडमिट है, तो कोई उनसे लड़ नहीं सकता है कि मरीज के साथ कुछ भी कर सकते हैं, भाई इनके हाथ में ही मरीज है। तो जहाँ जान फंसती आदमी सब कुछ करता है, बहुत दिमाग होता है लेकिन वहाँ काम नहीं करता है। तो मैंने खुद देखा है कि वहाँ की जो झाड़ू पोछा लगाती हैं, वहाँ की जो डॉक्टर्स हैं, जो भी है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हॉस्पिटल में चेकिंग तो होनी चाहिए, चेकिंग तो रखनी चाहिए। आईसीयू में मेरी मम्मी थी, आईसीयू में होकर कोई डॉक्टर नहीं, सिर्फ छोटे डॉक्टर जो जूनियर डॉक्टर होते हैं वो इक्के दुक्के बैठे रहते हैं, वो भी कहीं इधर कहीं उधर सब घूमते रहते हैं, एक ही जगह एक वार्ड में नहीं रहते। तो वहाँ के जो वार्ड बॉय हैं, वहाँ के जो झाड़ू पोछा वाले हैं, वो लोग जो है ये सब ECG वगैरह करते हैं और पैसा लूटते हैं। जहाँ कोई चार्ज नहीं होती उस मशीन की, ECG मशीन रखे हैं वहाँ, वो लोग 200 रुपए लेते हैं, आपको कोई चीज सही तरीके से नहीं बताते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि प्राइवेट में अच्छा होता है कि नहीं होता है, प्राइवेट भी ऐसे ही है। हम मुझे तो बिल्कुल बिलीव ही नहीं है कि डॉक्टर्स कुछ कर सकते हैं, सबको पैसे चाहिए, पैसे बिना एडमिट ही नहीं करेंगे चाहे आपकी जान चली जाए। मैं अपनी बात शेयर कर रही हूँ, जो मेरे ऊपर बीता है मैं वही बता रही हूँ। मम्मी को मेरे 9 दिन रखा गया, राट हो रही है, यहाँ से मुझे जर्नल में ले जाओ, हमें यहाँ नहीं रहना, या मुझे घर ले चलो, यही उनका कहना था। तो जब
मम्मी इतना बोल रही थी तो उन्हें जर्नल में शिफ्ट किया गया। फिर उसके बाद जो है मम्मी को फिर से वहाँ जर्नल में, अब मम्मी जबरदस्ती मतलब उनको घबराहट से उन्होंने बोला कि मुझे जर्नल में शिफ्ट कर दो। बाकी उनका कंडीशन नहीं था कि वो जर्नल में जाए, क्योंकि आईसीयू में था तो सारी मशीनें थी, सब चल रहा था। लेकिन ये हुआ कि नहीं, अब यहाँ से निकालो। कुछ ऐसा उन्होंने देखा, मेरे भाई लोगों ने देखा कि यहाँ का ऐसा रवैया है, कोई कुछ देख नहीं रहा है, कोई मरीजों का ध्यान नहीं दे रहा है, तो चलो यहाँ से हम निकालते हैं, मम्मी को यहाँ से ले जाते हैं। आज 9 दिन 10 दिन हो गया, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रही, तो यहाँ से ले चलो। तो मम्मी को वहाँ से ले जाया गया, तो हमारे यहाँ पर यहाँ का नाजरेथ हॉस्पिटल है, ये हुआ कि वहाँ हम ले जाएंगे, शायद वहाँ ठीक हो जाए। तो वहाँ के जो डॉक्टर थे वो तुरंत जो है बोल दिए कि हम नहीं लेंगे, क्योंकि इनकी कंडीशन बहुत ख़राब है और इनको अब मतलब हम नहीं लेंगे। तो ये हुआ कि अब क्या करें, कैसे इनको क्या करें, कि ऑक्सीजन लेवल ही मेंटेन नहीं है, कैसे कहाँ दूसरी जगह एडमिट करें, नहीं समझ में आ रहा है। सोचिए उस समय का सिचुएशन कैसा होगा। तब फिर तो फ्रेंड सरस्वती हार्ट सेंटर केयर, यहाँ हार्ट का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे ये हुआ कि ले चलते हैं, शायद वहाँ ले लें। तो जब वहाँ पे ले जाया गया तो डॉक्टर बोले कि भगवान के भरोसे हैं, रख लेते हैं इनको, बाकी देखते हैं क्या होता है, उम्मीद तो नहीं है लेकिन हाँ भगवान के भरोसे हैं ये, इतना ही उनका शब्द था जो डॉक्टर हैं वहाँ के। तो फ्रेंड्स वहाँ उनको ले जाया गया और फिर जब सारी रिपोर्ट उन्होंने देखा तो उन्होंने बोला कि इनको तो जब वो हॉस्पिटल में थी ना, सरकारी हॉस्पिटल में, तो वहीं पे उनको 2 हार्ट अटैक आया था, किसी ने नहीं बताया हमें, किसी ने कोई जानकारी नहीं दी। जब डॉक्टर आएंगे टाइम से तब तो वो देखेंगे कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कुछ मालूम नहीं है। तो फ्रेंड्स सरस्वती हार्ट सेंटर के जो डॉक्टर थे उन्होंने बोला कि इन्हें तो 2 हार्ट अटैक आ गया है, चलिए ठीक है इनको रख लेते। एक दिन रखे आईसीयू में, दूसरे दिन उन्होंने बोला कि यूरिन पास नहीं हो रही है। तब जांच हुई तो पता चला कि किडनी फेल हो गई। हम लोग का दिमाग बिल्कुल शॉक कि कैसे हो सकता है, अब क्या करेंगे। मम्मी की कंडीशन बहुत खराब होती जा रही थी, तो जो मम्मी सरस्वती में थी बहुत मतलब वहाँ के डॉक्टर बोल दिए कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मतलब उन्होंने 5 दिन सरस्वती में रखा, जहाँ का चार्ज होता है करीब 20,000 रुपये पर डे, दवाई का अलग लेते हैं, खाना पीना नाश्ता का अलग लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने फ़ोन किया था, मैंने कहा मैं क्या करूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं कहाँ से क्या करूँगी। मेरे दिमाग में है कि क्यों ना मैं गूगल से सीएम सर का नंबर निकालूं, उनसे हेल्प लूं, यूपी के सीएम योगी जी से मैं रिक्वेस्ट करूं, क्योंकि वो सबका हेल्प करते हैं तो हमारा भी हेल्प करेंगे। मैंने नंबर मिलाया, मैंने नंबर निकाला और जब मैंने फ़ोन किया तो शायद उनके पीए उठाए थे, तो उन्होंने बोला कि आप पहले कागज़ बनवाइए, फिर जो है पता नहीं तामझाम बताने लगे। मैंने कहा कि मेरे पास सर इतना टाइम नहीं है, मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, उनकी कंडीशन बहुत ख़राब है, तो प्लीज़ आप हेल्प करिए। इतना कहते कहते उन्होंने फ़ोन काट दिया। तो फ्रेंड्स उसके बाद मैंने 10 बार नहीं 50 बार फ़ोन मिलाया, उन्होंने नहीं रिसीव किया, नहीं उठाया। फिर फ्रेंड्स उसी दिन ये डॉक्टर बोले कि इनको ले जाइए, चाहे रखिए यहाँ पे, कोई मतलब नहीं है, 2% मात्र इनकी ज़िंदगी है, मतलब 2% ही बचने का वो है, मतलब कोई बचने का वो नहीं है इनका। तो मेरे भाई लोग बोले चलिए तब क्या करें, डॉक्टर बोले आप हो सके तो PGI ले जाइए। तो मम्मी PGI कैसे ले जाएं, तो फ्रेंड्स मम्मी को PGI ले गए एम्बुलेंस से, तो उन्हें एम्बुलेंस से ले जाया गया यहाँ से लखनऊ।
वहाँ वो लोग भटकते रहे। सबसे पहले तो ये हुआ, कोरोना का जांच लेके आओ, रिपोर्ट अभी का तुरंत लेके आओ, 24 घंटे का होना चाहिए। उस समय तो कोरोना का कहर चल रहा था हर जगह। तो यहाँ से वहाँ जब ले गए तो वहाँ के डॉक्टर बोले कि कोरोना का पहले जांच चाहिए, रिपोर्ट चाहिए। तो मुझे आज भी याद है कि मैं रात में यहाँ से गई अपने हस्बैंड ऐसा ही है। मैं नहीं चाहती हूँ कि जैसे मैंने अपने मम्मी को खोया वैसे कोई और अपने को किसी को खोए।